बेस सीधा साधा आत्मविश्वासी सरल साधारण मणिष नकुल ओझा गभीर आत्मविश्वास दृढ़ मनोबल ताकु आगे नहींथिला बहु दूर सयने सपने जागरणे से गांधी मंत्र जप करि चारि थांती से होचंती सरल मणिष नकुल ओझा बालेश्वर जिला जलेश्वर निकटस्थ सुवर्णरेखा नदीकूल शिखरपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत चलहरी गाँव मणिष नकुल ओझा पिता स्वर्गत कार्तिक ओझा माता सुभद्रा ओझा स्वाधीनतार अल्प किछि वर्ष पूर्व अर्थात 1949 मसीहा पवित्र गांधी जयंती अक्टोबर 2 तारीख में माता अष्टम गर्भर से एक गरीब परिवार रे जन्म ग्रहण करते मात्र अल्प वयस स्वाधीनतार स्वाद चाखिथिले से स्वदीय स्वाधीनता संग्राम रे प्रमुख भूमिका नथिला स्वाधीनता को बजाय रखापी ग्रामांचल ठू देश में कोण अनुकोण में प्रचार करते प्रथम श्रेणी पाठपढ़ा छाड़ते सेतबेले शिक्षक मानक माड़ भयरे स्कूल को नजाई गोरु गाई चराइबा दुष्टामी करिबा निज पड़ोसी मानक गछपत्र नष्ट करिबा एही सबु तांकर नीतिदिनिया काम होइतिला अष्टम गर्भ संतान जोगु बापा मांकर गेला होइ रहिथिले हेले समयर डाकरा ओ विभिन्न स्वाधीनता संग्रामी आदर्श रे नकुल होइ पारिथिले जणे विशिष्ट समाजसेवी नकुल चरण ओझाकु मु दीर्घ 3 दशंधि धरिकी मु जाने से निपट मूर्ख मणिष थिले अल्प किछि पाठ पढ़िथिले एवं प्रथम जीवन रे से स्वाधीनता संग्राम रे झास दे नथिले परवर्ती समय रे गांधी प्रेम रे उद्बुद्ध होइकि से गांधी नीति अनुसरण करी गांधी को प्रतिमूर्ति को नहीं दिल्ली ठारे स्थापन करथिले मुंडेकि सेइ दिन ठु तांकर गोटे विराट परिवर्तन घटिथिला काय ओ मनो वाक्य रे से गांधी धर्म रे गांधी रो पुजारी सैथिले उषा करे कथाबार्तारे सबुठी से गांधी को मंत्र को ग्रहण करी चालुथले एवं तांकर निज ग्राम चखरी शिखरपुटारे एक पूर्णांग प्रतिमूर्ति मध्य स्थापन करी प्रतिवर्ष शहीद दिवस गांधी जयंती निराडम्बर भाव पालन करुथले सेथिरे राज्यर बहु स्वाधीनता संग्रामी विशिष्ट समाजसेवी माने आसुथले योगदान करुथले पाठ पढ़ा सिना प्रथम श्रेणी में शेष कर देते किंतु ओडिया हिंदी बंगला भाषा रे विभिन्न पुस्तक पढ़ा लेखिबारे से धुरंधर अटंती छोट समय बेलू से महात्मा गांधी नेताजी सुभाष बोस एमती अनेक देशप्रेमी स्वर्गत महापुरुष मान फटोचित्र को निज कुड़िया घरे रखी से नीतिदिन गभीर भक्ति विश्वास से पूजा अर्चना कर चलते महात्मा गांधी त्याग निष्ठा श्री ओझा हृदय को एत स्पर्श करता जे आंठू पर्यंत खदड़ धोति पिंधि कांधर एक खदड़ गामुछा पकई महात्मा गांधी मूर्ति को धरी समग्र भारत प्रदक्षिण करते नकुल चरण ओझा को जो गांधीवादी मनीष गांधी मनीष बोली आम समस्ते चिंता करूँ एवं सम्मान जनाऊ था से तो आज आम गण से नहांती सी जोबले गांधी कथबार्ता होते प्रत्येक स्कूल को जाकि गांधी फाउंडेशन गांधी कि चिंताधारा सब लोकों पाखे पहुँच से प्रत्येक स्कूल को जा गोटे पिला टे टे आदय करते गुजरात में गांधी जे साबरमती आश्रम गांधी प्रतिमूर्ति स्थापन समय से एटी गोटे काठ प्रतिमूर्ति नहीं अर्थ संग्रह कर सौभाग्य मोर मिलता जहाँ भी हो जदिबा गांधी सहित संश्लिष्ट जड़ित किंतु स्वाधीनता समय रे से पारंगम नथिले स्वाधीनता संग्राम रे झास देवाई किंतु से स्वाधीनता आंदोलन व स्वाधीनता व इंग्रज शासन को अति पाखरु देखिथिले सेतबेले तांको 8 कि 10 वर्ष बयस हेथिबो आउ से चाहिथिले जे इंग्रज रो शासन कि परिभावरे लोकन को हैरान करूची एवं स्वाधीनता लोक माने चाहुछंती एति पई से जानिथिले एवं गांधी कि से भगवान मिली भाबुथिले नकुल सकाळ संध्यारे आश्रम रे रामधुनु बजाय गान करबा सहित गांधी गुण कीर्तन करुथिले लाल बहादुर शास्त्री जन्मदिवस अक्टोबर 2 तारीख दिन टी श्री ओझा बेस धूमधाम रे पालन करिथांती निज जन्मबाटी से गत 2006 मसीहा जनवरी 30 तारीख में शिखरपुर पंचायत ऑफिस कार्यालय परिसर रे गांधी स्मृति मंदिर निर्माण करी प्राय 6 फुट उच्चतार महात्मा गांधी प्रस्तर निर्मित मूल्य पूर्णांग करिथिले
ସେ ଏକ କାଷ୍ଟ ନିର୍ମିତ ଗାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବହି ନେଇ ସୁଦୂର ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଓଝାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଅଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ, ବୈକ୍ୟପତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷଦ, ଜଳେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାଡ଼ଗାଁ ଓ ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଉରକେଲା, କମଙ୍ଗ ବି କଟକ, 97 ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ, 1997 ପୌରସଦନ, ପୁରୀ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମନ୍ଦିର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଗାନ୍ଧି ସେବା ସଂଘ ସ୍ମାରକୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 2003 ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ କମିଟି ସମ୍ମାନ, କୋଳେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ବଳିଦାନ ପରେ ବି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ ହକ୍ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ ସେଭଳି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ତ ଶେଷ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।